एप्पल ने अपने एनुअल इवेंट WWDC 2024 में कई नए AI फीचर्स को लॉन्च किया। इवेंट के पहले दिन ही एप्पल ने ये भी अनाउंस किया कि वो अपने डिवाइसेस में ओपन AI के चैट GPT को इंटीग्रेट करने जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल फ्यूचर में भी AI इंटीग्रेशंस करने पर विचार कर रहा है। इस वीडियो में जानेंगे उस AI प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके साथ एप्पल फ्यूचर में पार्टनरशिप कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप आज तक AI के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दरअसल 9to5 Mac की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने पोस्ट WWDC कीनोट डिस्कशन में अपने फ्यूचर प्लान्स को शेयर किया है। इस सेशन को यूट्यूबर आई जस्टिन ने मॉडरेट किया था और एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्रेग फेडरिगी इस सेशन का हिस्सा रहे। सेशन के दौरान फेडरिगी ने ये हिंट दिया कि आने वाले टाइम में गूगल के जेमिनाई को भी एप्पल के प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में अनाउंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा डायरेक्शन वही है। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी यूजर्स को AI मॉडल्स यूज करने के लिए प्रेफरेंस देना चाहती थी क्योंकि कुछ मॉडल्स क्रिएटिव राइटिंग में बेहतर हो सकते हैं और कुछ कोडिंग में। बता दें कि एप्पल ने WWDC 2024 के दौरान ये अनाउंस किया था कि वो चैट GPT को अपने डिवाइसेस में इंटीग्रेट करने जा रहा है। इसके अलावा इस इंटीग्रेशन का फायदा एप्पल के सिरी को भी मिलेगा। ये चैट GPT के इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यूजर्स की क्वेरीज का ज्यादा इफेक्टिवली जवाब देगी। ये नया फीचर GPT-4o से पावर्ड है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।